लॉर्ड ऑल्टो आई है हमें मॉल रोड तक छोड़ने के लिए। ऑल्टो ऑल्टो लव तो मेरे पास आ जा गए भाई, कैसे फिट हुआ है पीछे दरवाजा बदल नहीं हो रहा दरवाजा। तो भाई ये मसूरी का फेमस लिबर्टी चौक है और यहीं से मॉल रोड शुरू हो जाती है। मॉल रोड पे आपको ठेका भी देखने को मिल जाएगा अभी, अंग्रेज शराब बियर की सरकारी दुकान है। देखो भाई बंदे मस्त हो रखे हैं। मसूरी की मॉल रोड पे आपको सिनेमा हॉल भी देखने को मिल जाएगा, रिट सिनेमा। यहाँ की ट्रेडिशनल सही लग रही है, यहाँ का तो भाई नज़ारा ही एकदम अलग है। जिस तरफ हम दूसरी तरफ है ना मॉल रोड में, वहाँ तो थोड़ी बहुत शांति थी लेकिन इधर भाई काफ़ी हैपनिंग है। लो भाई आपको सैंडोज रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा जो दिल्ली में काफ़ी फेमस है। तो भाई मसूरी की मॉल रोड पे रात के 12:15 बजे और ये बोर्ड देख लो आप पीछे, मॉल रोड खान बनी हुई है और यहाँ पर हमारा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो भाई जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोग पहुँचे थे दिल्ली से मंसूरी और हमने अब यहाँ पे होटल में अपना चेक इन भी कर लिया। थोड़ा बहुत यहाँ पे आराम करने के बाद हमने थोड़ी चाय शाय पी, अब उसके बाद हम दोबारा से रेडी हो गए। 5:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे तो हमें मतलब ज़्यादा हम घूमने कहीं जा नहीं सकते थे, तो इसलिए भाई हमने प्लान करा कि हम यहाँ की मॉल रोड घूमने जाएंगे। मॉल रोड ही मंसूरी की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो बस उसी को हम लोग चेकआउट करेंगे, थोड़ा बहुत चल के कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर रात को डिनर करके हम लोग वापस होटल में आ जाएंगे। और अगले दिन हमारा बढ़िया प्लान रहेगा, जो भी आपके जितने भी आसपास के जो स्पॉट है ना वो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो भाई इस वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ की मॉल रोड जो जितना भी मैं एक्सप्लोर करूँगा वो दिखाऊँगा और यहाँ पर आप लोग क्या क्या देख सकते हो मॉल रोड में वो सब अभी चल के देखते हैं। तो भाई बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मैंने बिल्कुल मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दूँगा। भाई यहाँ पर भाई ठंड बहुत है, 3-4 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, हवा चल रही है यहाँ पे ठंडी ठंडी। और अभी हमने मॉल रोड जाने के लिए ना भाई यहाँ से ना होटल से ही हमने टैक्सी बुलवा ली है, वो 200 रुपये कह रहा था भाई मॉल रोड तक छोड़ देगा, कौन इतना चल के जाएगा यार, टैक्सी में जाएंगे अपना आराम से ऊपर अपना मॉल रोड तक छोड़ देगा। चल लो भाई यार तुम क्या कर रहे हो यार, 8 बजे के बाद उसने बोला था टैक्सी नहीं आएगी। चल रहे हैं बस, हो गए यार सागर आ गए यार, और तो होना भाई तैयार होने में ना भाई बहुत टाइम लगता है। 8 बजे के बाद बोला था उसने टैक्सी नहीं आएगी, ये तो फिर इनको पैदल चलना पड़ेगा ऊपर मॉल रोड। गाड़ी हमारी आ चुकी है, 200 रुपये लेगी गाड़ी, यहाँ से मॉल रोड तक छोड़ देगी, 1 किलोमीटर है यहाँ से मॉल रोड। पैदल चले के जाते थे भाई हालत ख़राब हो रही थी, वैसे ही बहुत थके हुए हैं सुबह से, गाड़ी आ गई फटाफट से ऊपर जाते हैं, ये गाड़ी में बैठ के मॉल रोड के लिए निकलते हैं। भाई लॉर्ड ऑल्टो आई है हमें मॉल रोड तक छोड़ने के लिए। और भाई इधर देखो आप, इधर देखो आप, इधर चेकआउट करो भाई, क्या देखो बर्फ़ का भाई बना हुआ गुड्डा सा गाड़ी के ऊपर ही, धनौल्टी में पड़ी हुई है बर्फ़ बहुत ज़्यादा, ये वहीं से आई है गाड़ी। भाई लॉर्ड ऑल्टो आई है, ऑल्टो ऑल्टो लगू तो मेरे पास आ जाके आ जाओगे तुम तीनों पीछे फिट भाई, कैसे फिट हुआ है पीछे वही ना वो दरवाजा बदल नहीं हो रहा दरवाजा, हो गया भाई सारे फिट। भाई लॉर्ड ऑल्टो आई है हमें लेने के लिए। भाई ये मसूरी का फेमस लिबर्टी चौक है और यहीं से मॉल रोड शुरू हो जाती है, यहाँ से गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाती है। अभी 10:30 बजे एंट्री खुलेगी, 4:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है और 10:30 बजे तक रात को बंद रहती है, फिर उसके बाद यहाँ से गाड़ियों की भी एंट्री शुरू हो जाती है। बस यहीं से स्टार्ट है यहाँ की मॉल रोड, बर्फ देख लो गाड़ी के ऊपर, हाँ क्या बात है। और भाई यहाँ से भाई मॉल रोड की अगर आपने गाड़ी लेके जानी है तो इस प्रकार से रेट है, देख लो आप, 2-व्हीलर के 100 रुपये है, कमर्शियल व्हीकल के 200 रुपये और 4-व्हीलर के 150 रुपये और हैवी कमर्शियल व्हीकल के 400 रुपये। और सारी टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। और बस बाकी यहाँ से अब मॉल रोड स्टार्ट है, काफ़ी बड़ी मॉल रोड है ये यहाँ की। और मॉल रोड पे यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जनरल स्टोर भी है, कपड़ों की दुकानें भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, होटल्स भी है। बाकी अब जैसे जैसे आगे देखते हुए चलूँगा मैं, वैसे वैसे आपको भी दिखाता हुआ चलूँगा। भाई सागर भाई ने भुट्टा ले लिया इधर, ले भाई गरम गरम भुट्टा, पैसे पैसे लाओ भाई, पैसे भी दे दो भाई, इधर भुट्टा है, स्वीट कॉर्न है, ऑमलेट है, बाकी आगे आगे जैसे जैसे चलते वैसे वैसे भाई दिखाता हूँ क्या क्या है। ले भाई भुट्टा, गरम गरम भुट्टा,
सौ का नोट भी ले ले साथ में। भाई लबू तो अपना आराम से सोई पड़ी है, सही है हमने प्रेम ले ली इसके लिए, नहीं तो गोदी उठा उठा थक जाते। बाकी आगे भी भाई खाने पीने के बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। स्ट्रीट फूड तो भाई बहुत सारा है, इधर भी मोमोज हैं, इधर भी आमने सामने आपको खाने पीने के दिखाई देंगे। बाकी भाई मॉल रोड अभी चल ही रहे हैं आगे, काफ़ी बढ़िया है यहाँ की मॉल रोड। यहाँ पर भी मॉल रोड पर आपको ठेका भी देखने को मिल जाएगा भाई, अंग्रेज शराब बियर की सरकारी दुकान है। देखो भाई बंदे मस्त तो रखे हैं बाहर, क्या बात है। और इधर भाई कपड़ों के आपको स्टॉल्स दिखाई दे जाएंगे, जैकेट वगैरह आपने लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हो। बंदे भाई खूब मजा करे सामने डर की आइसक्रीम है, क्या बात है भाई। मसूरी की मॉल रोड पे आपको सिनेमा हॉल भी देखने को मिल जाएगा, रिट सिनेमा। और पिक्चर कौन सी लगी हुई है, प्रित कूड़ा, ये कौन सी पिक्चर है भाई, गढ़वाली पिक्चर लगता है कोई। पिक्चर हॉल तो भाई काफ़ी बढ़िया बना हुआ है अंदर से। बाकी अब आगे चलते हैं मॉल रोड की तरफ। यहाँ पे आपको देखो जैकेट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, कपड़े वगैरह भी है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो। थोड़ी बहुत आप अगर आपने शॉपिंग भी करनी हो तो वो भी कर सकते हो। और इधर देखो भाई सामने को ठेका, वहाँ ठंडी बियर, क्या बात है भैया। कितनी टोपी है वाली टोपी, यहाँ की ट्रेडिशनल पहन के देखिए जरा कैसी लग रही है। ओए सही लग रही है। कितने का ले ली जाए क्या करोगे इसको, इसे ठंड ना रखेगी, दिल्ली पहन के चलेंगे गाड़ी, गाड़ी में नहीं। सही कह रहे भाई, इसे ठंड में नहीं लग रही भाई, अपने लिए तो यही टोपी सही है भाई। हाँ ठंड बहुत है यहाँ पे, ठंड भी रोक रही है और भाई पहनने में भी सही है। हम होटल भी देखते हुए चल रहे, क्योंकि जो हमारा होटल है ना मॉल रोड से 1 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे नीचे कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब हैपनिंग है भी नहीं। ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा हैपनिंग है, नीचे उतर के भी कुछ शॉप्स वगैरह वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो होटल भी देखते हुए चल रहे हैं, अगर हमें कोई सही सा बढ़िया सा होटल मिल गया तो हम लोग वो वाला होटल छोड़ के फिर दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। और भाई यहाँ से नज़ारा देखो भाई, दिन के टाइम तो यहाँ से भाई अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बाकी अभी अंधेरा है तो नज़ारा कुछ इस तरह से यहाँ से देखने को मिल रहा है। चलते चलते मुझे ATM जाना था, और भाई यहाँ पे देखो भाई कितनी बर्फ़ है, क्या बात है भाई। हालांकि कल हुआ था यहाँ पे स्नोफॉल, अभी तक यहाँ पे भाई बर्फ़ पड़ी हुई है, तो कुछ आखिरी की बर्फ़ रह गई है। ये देखो यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये हमारी मैडम चला रही है, लबू सो रखी है, इसको इतनी देर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठ नहीं रही है। और भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर, हाथ एकदम ना सुन्न हो रहे हैं। तो थोड़ी देर ये चला रही है, थोड़ी देर मैं चला रहा हूँ उसकी प्रेम। और यहाँ पे भी कुछ दुकानें आ गई छोटी मोटी, और बाकी आप देखिए रिक्शे तो चलते ही हैं एक कोने से दूसरे कोने तक मॉल रोड के। आप लोग इस पर भी बैठ के मॉल रोड में घूम सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। और ये तंदूरी मोमोज की दुकान आ गई है, सॉफ्टी वगैरह सब कुछ है इधर। इधर एक है तंदूरी सालसा। बाकी अब चलते जा रहे हैं, देखते कहाँ तक जाते हैं हम लोग। दूर होटल भी देखते हुए जा रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा हम रुक रुक के जा रहे हैं। होटल तो भाई काफ़ी महंगे हैं इधर, 3,000 से तो कोई कम कमरा ही नहीं है। और भाई यहाँ पे मसूरी की मॉल रोड पे आपको ये एक्वेरियम भी देखने को मिल जाएगा, जवाहर एक्वेरियम। अभी तो शायद ये बंद हो चुका है, तो इसकी टिकट वगैरह जो भी है वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी मॉर्निंग में इधर आऊँगा तो मैं आपको टिकट का रेट भी बता दूंगा इधर का कि क्या है। बाकी इधर ये क्रीम बेल का एक आइसक्रीम पार्लर है इधर भी है, और एक उधर भी है। बाकी ये बीच में एक्वेरियम है, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। अभी हम नहीं जा रहे, अभी तो हम सीधा चल रहे हैं भाई। पीछे आप ये देख रहे हो, ये वाला भी होटल मैंने पता करा, यहाँ पे रूम पता करने गया मैं, 3500 रुपये भाई एक कमरे का चार्ज है, वो भी तब जबकि अभी यहाँ पे इतना रश नहीं है, तब भी ये भाई होटल का डायरेक्ट चल रहा है 3500 रुपये एक कमरे का। मॉल रोड पर जितने भी होटल है ना लगभग इसी के लपेटे में है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे भाई, अमारा हिल क्वीन नाम करके होटल है, और इसी के सामने आपको ये छोटा सा एक एम्यूजमेंट पार्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भाई झूले लगे हुए हैं, बड़ों के लिए भी है और छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। ज़्यादा नहीं है, एक ही है, एक छोटा है और एक ही है बड़ा है। बाकी आगे भी कुछ है, सामने जो लाइटें चल रही है वो अभी चल के देखते हैं। बाकी यहाँ प्रैम पड़ी हुई है जिसका मैंने आप बताइए 100 रुपये घंटे का किराया है, तो आप देख सकते हो ले सकते हो। बाकी यहाँ से दो रास्ते कट रहे, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ये देखना पड़ेगा कहाँ जा रहा है। बाकी हम अभी भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो है ना भाई, ये शायद से रोप वे है जो गन हिल की तरफ जाती है। हाँ मेरे को तो वही लग रही है, रोप वे टू गन हिल, क्योंकि ये केबल ऐसी लगी हुई है ना, तो ये शायद वही है जो रोप पे जाती है। और भाई बारिश के चलते भी ना यहाँ पे जो पूरी मार्केट होती है ना, ये देखिए आप सारी ये बंद पड़ी हुई है, काफ़ी लंबी है मार्केट है। बारिश के चलते मौसम ख़राब के चलते ना, तो ये सारी मार्केट बंद करी हुई है। और ये देखो यहाँ पे भी अभी तक बर्फ़ पड़ी हुई है, देख रहे हो आप, ये
यहाँ पे भी, वो आगे भी देखो आप। तो इसी के चलते मौसम खराब की वजह से ये सारी मार्केट जो है ना ये यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कुछ ही शॉप्स खुली हुई है। अभी हम लोग यहाँ से आए हैं और एक आप ये साइड में रेस्टोरेंट देखो कितना बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ पे आप LIC की बिल्डिंग देखो भाई, मॉल रोड पर कितनी शानदार बनी हुई है। और यहाँ से भाई सारे रेस्टोरेंट शुरू हो जाएंगे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, हमें आगे दिखाई दे रही है। बस आगे चलते हैं और चेकआउट करते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे। और भाई यहाँ का तो भाई नज़ारा ही एकदम अलग है। जिस तरफ हम दूसरी तरफ थे ना मॉल रोड में, वहाँ तो थोड़ी बहुत शांति थी, लेकिन इधर भाई काफ़ी हैपनिंग है। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट है, बार वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, म्यूजिक चल रहा है भाई बाकायदा। और यहाँ पे सामने देखो डोमिनोज भी है, काफ़ी भाई बढ़िया मॉल बना हुआ है यहाँ पे। और इस वाले चौक पे ना आपको एक यहाँ पे गेमिंग जोन भी दिखाई दे जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा गेमिंग जोन बना हुआ है, बारी खाने पीने के स्टॉल्स है आप देख सकते हैं। और इधर यहाँ पे 360 VR वाली है और उसके अंदर आप देखिए एक छोटा सा गेमिंग जोन बना हुआ है फन फॉक्स नाम करके। ये जब आप आएंगे मॉल रोड में चलेंगे ना आगे जब चलेंगे तो ये होटल हैमर्स है, ये सामने है होटल हैमर और इसी के सामने यहाँ पे ये फन फॉक्स नाम करके आपको ये गेमिंग जोन दिखाई दे जाएगा। ये वाला जो एरिया ना भाई काफ़ी हैपनिंग है और यहीं पे हमने एक होटल पता करा है भाई, ये है सामने होटल हैमर्स इंटरनेशनल। इसका भी रूम टैरिफ वही है, फैमिली रूम हमें 1800 का मिल रहा है। तो सोच रहे हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे ये, क्योंकि भाई नीचे उतरते ही मॉल रोड है और काफ़ी हैपनिंग जगह है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है खाने पीने के भी। जो होटल हमने अभी ले रखा ना वहाँ पे तो कुछ ऐसा ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, है ही नहीं कुछ बाहर निकल के। यहाँ पे तो भाई काफ़ी सारी दुकानें भी है और काफ़ी चहल पहल भी है इधर। तो सोच रहे हम लोग एक रात अभी वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम सोच रहे कल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी अभी और आगे देखते हैं, अगर हमें इसी रेंज में कोई होटल मिल गया तो वो भी होटल देख लेंगे, नहीं तो फिर भाई यहीं पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। सही है भाई होटल। और यहाँ पे जो पार्किंग है ना वो होटल वालों की पार्किंग नहीं है, यहाँ पे पब्लिक पार्किंग बनी होती है। तो वहाँ पे हमने पता करा है 300 रुपये एक दिन का 24 घंटे का वहाँ पे चार्ज है। तो आप लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करके होटल में यहाँ पे स्टे कर सकते हो और मॉल रोड में घूम सकते हो। 300 रुपये एक दिन का चार्ज है वहाँ पे पार्किंग का। बाकी भाई इधर हमारी लबू भी उठ चुकी है, पर भी बैठ गई प्राइम में, अरे दोनों बैठ गए, हकी कर लो दोनों एक दूसरे को, नहीं हो सकता। अरे देखो भाई मैडम हमारी चलते चलते थक गई है, थकावट ही नहीं हुई, हीना के तो अभी दो पैक लगवा देंगे तो ठीक हो जाएगी। और भाई यहाँ पे देखो भाई कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, अर्बन पंजाब रेस्टोरेंट होटल क्लार्क्स, कितना बढ़िया होटल बना। मेरे पैरों में चला दी भाई प्रेम तुमने, देख के चलाओ। तो यहाँ से भाई हम लोग अभी आगे की तरफ आ गए मॉल रोड में और यहाँ पे आप देखो हाउस ऑफ कैंडी है, होटल क्लार्क्स है, कितना बड़ा ये भी होटल आप देखो भाई, काफ़ी शानदार बना हुआ। और इधर भाई है अर्बन पंजाब रेस्टोरेंट और यहाँ पे है भाई कैफे द वे, बेकरी है ये। बाकी ऐसी दुकानें तो आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगी कैब्स वगैरह की। और ये तिब्बतन किचन है भाई कोई। बाकी अब भाई यहाँ से शुरू हुई है प्रॉपर जो होती है ना बढ़िया वाली मॉल रोड, यहाँ से शुरू हुई है। पीछे तो भाई ऐसा लग रहा था पूरा सुनसान था। इधर भाई आपको शूज़ वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ लंबे लंबे लॉन्ग बूट्स पड़े हुए हैं। बाकी इधर भी गाने चल रहे हैं भाई मस्त। इधर ये पान चौप मिल जाएगी आपको, यहाँ पे भाई लगता है लाइव म्यूजिक चल रहा है, आप सुन सकते हो। इसमें चल रहा है द ग्लेन रेस्ट्रो बार, काफ़ी सही बना हुआ है अभी। बाकी ये देखो छोटी सी माल रोड है ये, यहीं से आने वाला भी है जाने वाला भी है। और इधर भाई ला पिनोस पिज़्ज़ा भी है, बाय वन गेट वन लगा हुआ है। और ये दोनों इधर प्रेम में बैठी हुई है, मज़े मार रही है। मॉल रोड से आप लोग इधर की तरफ आओगे तो भाई यहाँ पे आप देख लो भाई आपको सैंडोज रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा, जो दिल्ली में काफ़ी फेमस है, काफ़ी जगहों पे है ये। आपको मसूरी की मॉल रोड पे भी सैंडोज रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। और अभी एक होटल हमने यहाँ पे भी पता करा है, होटल नीलम इंटरनेशनल है, वहाँ का हमने फैमिली रूम देखा। और भी जो वहाँ का फैमिली रूम है ना हमें 1600 रुपये का पड़ रहा है और वहाँ पर पार्किंग भी हमें नहीं देनी पड़ रही, पार्किंग भी उसी के अंदर इंक्लूड है होटल के साथ में ही। तो हम सोच रहे भाई सुबह यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, कमरा भी सही है काफ़ी स्पेशियस है और हमने रात ही गुजारनी है, सोना ही है, आराम ही करना है, बाकी तो हमने टाइम घूमना ही है। तो सोच रहे हम लोग सुबह ना यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, होटल भी सही है और एकदम मॉल रोड पे ही है, काफ़ी हैपनिंग है यहाँ पे जगह। और बाकी हम लोग भैया यहाँ सैंडोज के आगे पहुँच गए थे, सैंडोज रेस्टोरेंट है, अब बस यहाँ से और आगे चल रहे हैं, काफ़ी बड़ी है अभी यहाँ से भी मॉल रोड, अभी और यहाँ से सीधा जाके। काफ़ी सारी शॉप्स तो यहाँ पे भाई बंद ही हो गई है, टाइमिंग होती है 10 बजे तक ज़्यादातर शॉप बंद हो जाती है। बाकी जो खाने पीने के जो रेस्टोरेंट है वो 11:30 बजे तक खुलते हैं, काफ़ी सारे खुले ही हुए हैं जितने भी रेस्टोरेंट हैं।
इधर हम लोग आए थे माई शॉप नाम करके रेस्टोरेंट है माउंट रोड पे, काफी अच्छा बना हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए और हम डिनर करने बैठ गए। हमने मंगवाया भाई यहाँ पे काली मिर्च चिकन मंगवाया, साथ में क्या मंगवाया भाई तवा पनीर। अभी खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी अब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा भाई कैसा है खाना। रेस्टोरेंट तो देखने में अच्छा था। डिनर करके हम लोग आ गए थे। अगर आपने कुछ मीठा भी खाना हो तो यहाँ पे भाई एक मसूरी स्वीट शॉप करके एक फेमस शॉप है, इधर कढ़ाई वाला दूध, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा सब मिलता है। आप लोग यहाँ पे भी आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी 12 बजे का टाइम हो गया, वो तो ऑलमोस्ट माल रोड क्लोज ही हो चुकी है, कुछ गिनी चुनी दुकानें खुली हुई है। कि बस हमने जहाँ खाना खाया था वहाँ पे ओके ओके ही खाना था, ज़्यादा बढ़िया था नहीं, तो बस हम जा रहे हैं होटल। 12 बज गए भी, 12 बज गए, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। 12 बज गए भाई और मॉल रोड एकदम सुनसान हो चुकी है। अभी भी होटल हमारा यहाँ से थोड़ी दूर है। खाना खा के हम लोग निकल चुके थे, काफ़ी पैदल चल चुके हैं और चलते चलते भाई 12 बज गए और हमारी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ से काफ़ी दूर है होटल। तो भाई मसूरी की मॉल रोड पे रात के 12:15 बजे और ये बोर्ड देख लो आप, पीछे धनौल्टी लिखा हुआ है, मसूरी झील लिखा हुआ है और उसके आगे कट रहा है हमारा केक एनिवर्सरी का। ठंड बहुत हो रही है भाई, हाथ एकदम सुन्न हो रखे हैं। और यहाँ भी हम केक काटेंगे फिर उसके बाद होटल की तरफ निकलेंगे। होटल सवा 12 का टाइम हो चुका है और अभी भी हम अपने होटल नहीं पहुंचे, अभी भी यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर है। देखते हैं भाई कोई गाड़ी मिल जाए, जैसे हमें आते हुए लॉर्ड ऑल्टो मिल गई थी ना, वैसी कोई गाड़ी मिल जाए तो भाई होटल तक छोड़ दे। अभी फाइनली हम लोग अपने होटल में पहुंच चुके थे। काफ़ी दूर था भाई हमारा होटल वहाँ से ना, जहाँ पे हमने डिनर करा था ना, प्रॉपर मॉल रोड में था वो रेस्टोरेंट माई शॉप करके। वहाँ से भाई हम कैसे पैदल चलते हुए आए ना, 2-2.5 किलोमीटर तो कम से कम था ही। और अब बस हम यहाँ से भी हम कल चेकआउट कर देंगे, दूसरा होटल भी हम देख के आ गए, सुबह वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे तो भाई नीचे उतरते कुछ है ही नहीं। और जो होटल हम देख के आए ना वो प्रॉपर मॉल रोड में है, तो वो होटल भाई हमें बढ़िया लगा और पार्किंग भी वहाँ पे है, गाड़ी भी अपनी आराम से खड़ी हो जाएगी। तो भाई बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और हमारी एनिवर्सरी भी स्टार्ट हो चुकी है भाई। हाँ भाई हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। बस थकावट हो गई भाई सुबह से, बाकी गुगू जी भी सो गए, ठंड लग रही थी इनको, यहाँ पे हीटर लगा दिया, बस हम भी अब सोने की तैयारी में हैं। और बाकी हमारा कल का प्रोग्राम क्या है, कुछ सोचा है? घूमेंगे। हाँ कल सोच रहे हम लोग ना, यहाँ पे लोकल कुछ 2-4 पॉइंट है, जैसे लाल तिब्बा है, गनील है, कंपनी गार्डन है, तो शायद कल का प्रोग्राम हमारा यही रहेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे शायद हम धनौल्टी जाएंगे। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें मैंने बिल्कुल मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।